दिन के अवकाश के बाद शुरू हुआ। इस दौरान सदन में कांग्रेसी विधायकों ने अवैध खनन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। वहीं सदन के अंदर कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन, 16 मार्च तक बजट पर चर्चा। विपक्ष ने दागे कई सवाल, सरकार ने दिए जवाब। मैं आपने कहा गोवर्धन माइन का कोई मैनेजर बन करके, मैं क्या करूं, उसका कोई मैनेजर बने, उसका कोई जीपीए बने, पर बने गोवर्धन माइन का नौकरी करे, करे पैसे करे, हमें क्या लेना उसे। हाँ, हमें तो ये बताया है कि माइनिंग को हमने सिस्टम से जो दिया, और उस समय अगर ये बोली देने वाले कोई उसके ज्यादा थे, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 5 दिन के अवकाश के बाद शुरू हुआ। सदन में विधायकों ने सरकार के मंत्री से कई सवाल किए, जिसके बाद मंत्रियों ने सदन के अंदर उन्हें जवाब भी दिए। कई बार सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। बताओ इनके टाइम में हुई थी, कौन से कानून से की थी? नूह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सदन में अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया। आफताब अहमद ने पूछा, पिछले 3 सालों में अवैध माइनिंग पर क्या कार्रवाई हुई है? इस पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अवैध माइनिंग करने वालों पर केस दर्ज कर एनजीटी के तहत कार्रवाई की जाती है। सुनिए मूलचंद शर्मा ने क्या कहा। 3 वर्षों के दौरान अवैध खनन की कार्रवाई का विवरण निम्न प्रकार है। पकड़े गए वाहनों का ब्यौरा 3 साल का है, छोड़े वाहनों का भी है, जुर्माना राशि कितने रुपए, एफआईआर की संख्या भी है, जिलावार विवरण के अनुरूप वो लगाई गई है, सारा विवरण इसमें दिया हुआ है कि 7,727 वाहनों को पकड़ा, छोड़ गए 5,377 वाहन और एफआईआर 1,727। मैंने ये पूछा था कि बताएंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उन मामलों का जिलेवार संख्या कितनी है जिनमें अवैध खनन के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई। इसमें तो इन्होंने ओवरलोडिंग का दिया है सर, ट्रकों के वाहनों का दिया है, और एक भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं किया। इलीगल माइनिंग की मांगी थी मैंने किसी चीज के लिए। ये लिखा क्या है, 3 वर्षों के दौरान अवैध खनन पर की गई कार्रवाई का विवरण। उसमें पकड़े तो गए वाहन है, पकड़े गए वाहन है सर उसमें। हाँ? इन्होंने एक भी ऐसा इलाके का या एक भी इन्होंने कोई विवरण नहीं दिया कि कौन सी जगह। वही कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने महेंद्रगढ़ में बाईपास बनाए जाने की मांग की। इसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 हाईवे पहले से बनाए जा चुके हैं जो इलाके के कई क्षेत्रों को जोड़ते हैं। साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास हाईवे और रिंग रोड बनाने के प्रस्ताव भेजे, जिसका जवाब आते ही आगे काम किया जाएगा। हरियाणा बना था, उन 7 जिलों में से महेंद्रगढ़ एक था, और उस समय से लेके आज तक हमारी मांग या तो बाईपास की रही है या एक रिंग रोड की रही है। ये 5 कस्बों को जोड़ता है, एक तरफ से दादरी, नारनौल, सतनाली, महेंद्रगढ़ और अटेली। इसमें से कहीं भी आपको एक फ्लाईओवर के अलावा जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो आज के दिन वहां पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनके बारे में बताया है, जिसका कनेक्शन नारनौल से सीधा दादरी है, और अधिकतम जो हैवी ट्रैफिक है वो रेवाड़ी रोड का भी जो आज दादरी जाता है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रपोजल भेजा है कि हिसार, तोशाम, बालडा, सतनाली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और रेवाड़ी से जो तावड़ू आज नेशनल हाईवे बन रहा है उसको कनेक्टिविटी केएमपी तक की दी जाए। विधानसभा में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने यूरिया की खाद की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी होने की वजह से किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, प्रदेश में यूरिया खाद की कमी नहीं है। सदन को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, किसानों को 10.80 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया। जबरदस्त जो किल्लत हुई है, इसमें कालाबाजारी हुई है, ये सब जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो इन्होंने रखी नहीं। ये जो है इस तरह से जलेबियां बनाते हैं, बहुत ऐसे सपने जरूर दिखाते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर ये केंद्र से सही समय पर इनका पूरा आंकलन करते और आंकलन के मुताबिक पूरा का पूरा खाद जो है जितनी जरूरत थी बिजाई के समय में वो अगर आ जाता तो ये हालात नहीं होने थे। यहाँ पर कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ट्विटर से और अखबारों से राजनीति करते हैं, धरातल पर उनको ज्ञान है नहीं, फील्ड में वो कभी जाते नहीं। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903
मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है और इस साल हमने 10,83,000 बेची है, उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है। वही समालका के विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने 2015 में सीए अनाउंसमेंट की घोषणा पूरी नहीं हुई है, 5 करोड़ के जो कार्य एसीसी के अप्रूव हो चुकी है परंतु निचले अधिकारियों ने दूसरे काम कर दिए, इसकी जांच करवाई जाए, साथ ही समालका नगर पालिका के क्षेत्र का विस्तार करवाया जाए। 10105 की जो आपकी जो सीएम अनाउंसमेंट है इसमें रेलवे पार्क का जिक्र है और ये 2015 की है, आज 7 साल हो चुके हैं। आज 7 साल में पार्क में बिल्कुल एक थोड़ा सा मिट्टी का भरा किया गया, 2 करोड़ में सैंक्शन भी हुए थे और मैं कहता हूं उसकी जांच भी कराई जाए। एक में 1,59,00,000 की पेमेंट उसकी और पार्क आज तक भी समालका में कोई पार्क भी नहीं है, तो उसके लिए मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। एक तो जो 5 करोड़ के जो चीफ मिनिस्टर साहब की एडमिनिस्ट्रेट अप्रूव आई हुई है वो भी मैं आपको भी दे देता हूँ, जो सीएम साहब ने अप्रूव किए वो कार्य किए जाए। अब देखना है कि आने वाले दिनों में सदन में और कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि विपक्ष बोल चुका है कि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं जिसका जवाब देना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वही सरकार बोल रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए। अब देखना होगा कि अगले दिन सदन में क्या होने वाला है। चंडीगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रवि काले।